टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल पर रिसेंटली अपलोड किए गए इस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस YouTube चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट सुपरविजन की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई थी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है इस सीरीज के बारे में जो आपको पता पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट सुपरविजन की पूरी सीरीज होने वाली है ये दो मॉड्यूल में बांटी गई है। और इन दो मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो मॉड्यूल वन में जो है हम सीखेंगे ड्रॉइंग को रीड करना और समझना कि हमारी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, कामकाज होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रॉइंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो ड्रॉइंग्स होती है कौन कौन सी डिटेल दी जाती है और उन डिटेल को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, यह हम मॉड्यूल वन के अंदर सीखेंगे। और उसके बाद मॉड्यूल टू में हम सीखेंगे कि उन समझी गई ड्रॉइंग के मुताबिक साइट पर काम को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है और कैसे चेक करना है, यह हम मॉड्यूल टू में देखेंगे। तो ये दोनों ही मॉड्यूल आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए। इसलिए इस पूरी वीडियो सीरीज को ध्यानपूर्वक तरीके से फॉलो कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल वन हमारा होगा ड्राइंग रीड करने को लेकर, तो आज ये जो वीडियो है मॉड्यूल वन का पहला ऑफिशियल वीडियो है। और इस मॉड्यूल वन के पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉइंग यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है, टाइप ऑफ ड्रॉइंग कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने आप देख पा रहे हो यहां पर मैंने चार क्लासिफिकेशन यहां पर कर रखे, चार कैटेगरी यहां पर आपको बता रखी है। ये डिफरेंट और भी आपकी तरह से हो सकती है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए इस हिसाब से मैंने ये चार यहां पर कैटेगरीज की बना रखी है। सबसे पहली कैटेगरी आप देख सकते हो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती है, दूसरी ड्राइंग यहां पर हो सकती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, तीसरी है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और चौथी ड्राइंग यहां पर है प्लंबिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग्स। तो बेसिकली ये चार मेजर टाइप की ड्राइंग्स होती हैं जो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाती है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की तो आप यहां पर देख सकते हो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर फ्लोर प्लान की ड्राइंग आती है, उसके बाद एलिवेशन की ड्राइंग आती है, सेक्शन की ड्राइंग आती है, वर्किंग ड्राइंग्स आती है जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, डायमेंशन सारे होते हैं, डायमेंशन प्लान आता है, सेंटर लाइन प्लान आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओपनिंग स्केड्यूल्स होते हैं यानी आपकी जो डोर विंडो या वेंटिलेशन वगैरह के जो ओपनिंग्स होते हैं आपकी बिल्डिंग के अंदर उसका सारा स्केड्यूल इसके अंदर होता है, ड्रेनेज प्लान होता है, फर्नीचर प्लान होता है, फिनिशिंग प्लान होता है, साइट प्लान होता है। ये जो मैंने आपको अभी नाम गिनवाए हैं ये मेजर टाइप की ड्राइंग्स है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके लोकलिटी में, आपके एरिया में या आपके नॉलेज में कुछ और ड्राइंग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं आर्किटेक्चरल बेसिस पर तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, लेकिन मेजर टाइप की यही ड्राइंग्स होती है। आगे हम जब इस सीरीज में बढ़ेंगे तो और भी जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स है उसके बारे में भी स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल नाम बता रहा हूं, लेकिन इनके नाम के अंदर आगे क्या होगा, इन ड्राइंग्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, कौन कौन सी ड्राइंग को मेंशन किया जाता है और उन मेंशन की डिटेल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम आगे विस्तार में समझेंगे। अब आइए बात करते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की बात। तो देखिए स्ट्रक्चरल के अंदर आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि आपका जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं साइट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, चाहे वो फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उन फुटिंग या कॉलम या उन मेंबर्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स होती है जैसे कि उसका साइज क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, उसके अंदर कंक्रीट कैसा होगा, उसमें रेनफोर्समेंट कैसा होगा, कितना होगा, ये जो सारी डिटेल्स हैं ये हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की मदद से पता चलते हैं। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स ही बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ड्राइंग होते हैं, इनके बिना आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आप यहां पर कॉलम लेआउट प्लान होता है, एक्सकेवेशन ड्राइंग होती है, फाउंडेशन प्लान होता है, प्लिंथ बीम ड्राइंग होती है, रूफ बीम ड्राइंग होती है, लिंटल की डिटेल होती है, फुटिंग की डिटेल होती है, यानी ये सारी अलग अलग ड्राइंग शीट्स प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है। कई लोग होते हैं जो अलग अलग शीट्स प्रोवाइड करते हैं, कई लोग होते हैं कि एक शीट के अंदर मल्टीपल ड्राइंग या मल्टीपल डिटेल दे देते हैं, तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल डिजाइनर पर या डिटेलर पर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो फुटिंग डिटेल्स है, कॉलम डिटेल्स है, बीम डिटेल्स है, स्लैब डिटेल है, ये सारे जो मेंबर्स होते हैं इनकी डिटेल की ड्राइंग आपको अलग अलग से प्रोवाइड करवाई जाती है। और एज अ साइट सुपरवाइजर आपको ड्राइंग के बेसिस पर ही वहां पर सारा काम करवाना पड़ता है। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आपको ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो या इंजीनियर जो होते हैं आपको उनसे कंसल्ट करना होता है, आपको वो क्लेरिफाई करना होता है और उसके बाद आगे बढ़ना होता है, यानी आपको अंदाजन कोई भी चीज साइट पर नहीं करानी है, आपको एज पर ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही आपको वहां पर काम करवाना होता है। और इसके अंदर आपको बेसिकली स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर कितना स्थलिया लगेगा, कितने डायमीटर का लगेगा, उसका टोटल एएसटी कितना हो रहा है, कितनी कटिंग लेंथ है, कहां पर बेंड करना है, स्टीरअप कितनी लगानी है, स्पेसिंग कितनी करनी है,
आपके क्रॉसेक्शन का साइज क्या होगा, इसमें फॉर्मवर्क की ड्रॉइंग भी आती है, कई लोग फॉर्मवर्क की ड्रॉइंग भी देते हैं, तो उसका क्या डिटेल रहेगी, वो सारी जो चीजें हैं आपको स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स के अंदर बताई जाती है। अब इन ड्रॉइंग्स को विस्तार में हम समझेंगे आगे पढ़ेगी, और भी ड्रॉइंग का एग्जाम्पल ले लेके कि उन ड्रॉइंग्स के अंदर किस तरह की डिटेल्स मेंशन की जाती है। इसलिए अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अभी आप ये देखो कि भाई ये कुछ नाम है ड्रॉइंग्स के जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये ड्रॉइंग एक्चुअली होती क्या है आगे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स के अंदर जो है, पहले तो यहां पर फ्लोर लाइटिंग प्लान है, उसके बाद फ्लोर पावर प्लान है, उसके बाद फायर अलार्म लेआउट है। अब देखिए आपको यह पता होगा कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स बना करते थे आपसे पहले, तो आपने वहां पर देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती थी वो बाहर से पट्टी मार के जो है पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती थी, मतलब वो अंदर नहीं होती थी, कंसील नहीं होती थी, वो बाहर ही होती थी, बाहर सबको दिखाई देती थी, स्विच बोर्ड वगैरह भी बाहर होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि सारी वायरिंग जो है वो कंसील्ड हो गई है, तो कंसील्ड वायरिंग की वजह से जब हम कास्टिंग करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो तभी वहां पर सारे प्रोविजन कनेक्शन वगैरह हमें प्रोवाइड करवा देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स होना जरूरी है। जैसे कि लाइटिंग प्लान क्या होगा, पावर प्लान क्या होगा, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई ऐसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह है जहां पर फायर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक एक दिन में आती है, तो वहां पर फायर अलार्म लेआउट भी होता है, तो वो भी हमें प्रिपेयर करके देना होता है एज पर द गाइडलाइन। उसके बाद वहां पर आप देख सकते हो लाइटिंग प्रोडक्शन अर्थिंग डिटेल जो है इसकी भी एक ड्रॉइंग होती है, जो भी महत्वपूर्ण ड्रॉइंग होती है तो इसको भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ मेजर टाइप की ड्रॉइंग थी। इसके अलावा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के अंदर और भी कुछ ड्रॉइंग्स आ सकती है, अगर आपको लगता है लेजेंड वगैरह को भी लेकर ड्रॉइंग होती है, अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर में बताइएगा, हम उसको आगे कवर करेंगे। लेकिन मैं ये मत सोचिएगा कि बाकी ड्रॉइंग्स के बारे में मुझे पता ही नहीं है, पता है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेयरली यूज की जाती है या वो इसी में आ जाती है, ठीक है। तो ये मेजर टाइप की ड्रॉइंग मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि आगे जब सीरीज में बढ़ेंगे हम तो उन सभी ड्रॉइंग्स का हम जिक्र इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग। उसके बाद प्लंबिंग एंड सैनिटरी ड्रॉइंग, इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपकी बिल्डिंग के अंदर वाटर का सप्लाई होगा उसका लेआउट कैसे होगा, उसमें सीवरेज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर प्लान है तो उसका लेआउट कैसे होगा, प्लंबिंग कंस्ट्रक्शन डिटेल कैसी होगी, आपके कनेक्शंस कैसे होंगे, जॉइंट वगैरह कैसे होंगे, सप्लाई कैसा होगा, तो ये जो सारा लेआउट है ना इसकी भी ड्रॉइंग्स पहले से ही हमें लेके आनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें वहां पर साइट पर काम करना पड़ता है। तो बेसिकली ये कुछ मेजर टाइप की ड्रॉइंग्स थी जिसमें हमने देखा आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग, स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग, इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग, प्लंबिंग एंड सैनिटरी ड्रॉइंग, मेजर टाइप की ड्रॉइंग थी। इसके अंदर आपको लगता है कि छूट रहा है तो आप कमेंट के अंदर बेझिझक लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस हमें यही जानना था कि कौन कौन सी ड्रॉइंग्स इसमें इस्तेमाल होती है। इसका अगला जो वीडियो होगा इस सीरीज का उसके अंदर हम आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स पे बात करेंगे कि आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग के अंदर डिटेल में हम समझेंगे, जानेंगे कि ये ड्रॉइंग होती कैसे है, फ्लोर प्लान कैसे होते हैं, सेक्शन कैसे होते हैं, एलिवेशन कैसे होते हैं, ये जो चीजें होती है ये क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल होती है, कैसे दे रखी होती है, उसको हमें कैसे समझना है और उसको समझ के कैसे हमें आगे यूज करना है, ये सारी चीजें आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो सीरीज को बखूबी फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल। धन्यवाद।